बात से विकास की नई पहल। अनुसूचित जमाती की महिला उम्मीदवार आशा अमित दलाल, पिस्तौल के साथ मिला युवक। भंडारा पुलिस और स्थानीय अपराध विभाग की बड़ी कार्रवाई। जिंदा कारतूस के साथ युवक हिरासत में। भंडारा शहर में पुलिस गश्त करते समय गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि एक व्यक्ति बंदूक एवं जिंदा कारतूस के साथ भंडारा शहर के किस स्थान में है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए भंडारा पुलिस व एलसीबी ने उस व्यक्ति की तलाश कर उसे रंगे हाथ धर दबोचा। आरोपी ने अपना नाम जीवेश उर्फ आतिश रमेश सोनटक के उम्र 24 वर्ष श्री कृष्ण धाम कोराडी रोड नागपुर निवासी बताया। 30 जून 2022 की शाम 7 बजे जिला सामान्य अस्पताल के पीछे दरगाह के पास खाली जगह में यह आरोपी बैठा मिला। उसकी पूछताछ करने पर उसके पास पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस मिली। इस आरोपी के विरुद्ध नागपुर शहर अंतर्गत खून और खून करने की कोशिश के भी मामले दर्ज है। भंडारा पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ कलम 325 भारतीय हत्या कायदा के तहत गुना दर्ज किया गया है। उपरोक्त कार्रवाई वसंत जाधव पुलिस अधीक्षक भंडारा, अनिकेत भारती अपर पुलिस अधीक्षक, संजय पाटिल उपविभागीय पुलिस अधिकारी भंडारा इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक जयवंत चौहान, पुलिस निरीक्षक सुभाष पाल से, पुलिस उपनिरीक्षक निखिल रहाटे, पुरुषोत्तम शेंडे, पुलिस हवालदार बालाराम वरखड़े, पुलिस हवालदार मोजीलाल शहारे, पुलिस नायक प्रशांत भोंगाड़े, पुलिस नायक साजन वाघमारे, पुलिस सिपाही नरेंद्र छलके, पुलिस सिपाही हीरा लांडे और स्थानीय गुनी शाखा भंडारा के पुलिस हवालदार धर्मेंद्र बोरकर, रोशन गजबीये, विजय राउत, पुलिस नायक संदीप भानारकर के संयुक्त विद्यमान से की गयी।